नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए शास्त्री जी द्वारा बताई हुई एक और विधि लेकर। इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चॉकलेट से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है, अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों विधि की बात करते हैं। तो विधि में सबसे पहले हम जानेंगे समय। तो मित्रों ये विधि आपको करनी होगी रात्रि में, रात्रि 12 से 12:30 के बीच किसी भी वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। किसी भी पक्ष में आप ये विधि शुरू कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो। पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है, वार की यानी दिन की कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। और महिलाएं ये ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह शुद्ध रहे, जब वह स्वच्छ रहे तभी इस विधि को करें, एवं कोई भी पुरुष या महिला इस विधि को मांस मदिरा का सेवन करने के बाद ना करें, क्योंकि ये सात्विक विधि है, पूजा का कार्य है, इसमें शुद्धता और स्वच्छता पूरी चाहिए होगी। तो मित्रों अब विधि पे आते हैं। तो विधि में हम जानेंगे सामग्री क्या क्या चाहिएगी हमें। तो सामग्री में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा, एक चाहिएगी चॉकलेट। चॉकलेट आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। और चाहिएगा सामने वाले का फ़ोटो, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये पूजा कर रहे हैं उसकी फ़ोटो चाहिएगी, और चाहिएगी एक चॉकलेट। तो मित्रों अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो फ़ोटो को आप अपने सामने किसी भी सामान से इसको खड़ा कर सकते हैं। ऐसे हम आपको ऐसे रख के दिखा रहे हैं, आप इसको सामने रख लेंगे अपने, और सामने वाले की फ़ोटो के सामने फिक्स अपने हाथ में, सीधे हाथ में ये फ़ोटो को रख, ये चॉकलेट को रखना होगा, माफ़ कीजिएगा, चॉकलेट को ऐसे रखना है, सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है और फ़ोटो को अपने सामने रखना है। और मित्रों आपको करना होगा त्राटक। मित्रों त्राटक का मतलब होता है सामने वाले की आँख में आँख मिलाना, सामने वाले को आंख मिला के देखना और उस हिसाब से वशीकरण करना। तो मित्रों ये एक आकर्षण विधि भी है और एक वशीकरण विधि भी है। तो सामने वाले की आंख में आंख मिलाकर देखेंगे आप इस फोटो में, और मैं जो मंत्र बोलूँगा उस मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र मित्रों ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये एक वशीकरण विधि है, ये आकर्षण विधि भी है। तो ध्यान से सुनेगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। सामने वाले की तरफ अच्छी तरीके से फोटो में देखेंगे, आँख में आँख मिलाकर एक अच्छी तरीके से त्राटक करेंगे, और जो मैं मंत्र बोलूँगा उस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के मित्रों पिक्चर चला दी जाएगी। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय सर्व आकर्षणम शक्ति प्रदान कुरु भवंतु। 51 बार आपको इसका जाप करना होगा। मित्रों मैं मंत्र को फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय सर्व आकर्षणम शक्ति प्रदान कुरु भवंतु। 51 बार आपको इसका जाप करना है। सामने वाले की फ़ोटो में देखते हुए, सामने वाले की फ़ोटो को देखते हुए उसकी आँख में आँख मिलाकर आपको जाप करना होगा। और ये जाप कर लेने के बाद आपको इस चॉकलेट को अपने सरहाने के नीचे रखकर सो जाना है। मित्रों अभी इस रात्रि में आप जब सोएंगे तो सरहाने के नीचे आपके पास ये चॉकलेट होनी चाहिए, सरहाने के नीचे रखकर सो जाएंगे। और मित्रों सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर ये चॉकलेट आपको सबसे पहले ये चॉकलेट खा लेनी है। मित्रों सुबह उठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सीधा अपने नियमित कार्य करेंगे, स्नान आदि करेंगे, फिर सीधा ये चॉकलेट आप पूरी खा जाएंगे। पूरी चॉकलेट खाने के बाद ये जो आपने जिस फोटो से उसका त्राटक किया था, जिस फोटो से आपने उसका वशीकरण का ये विधि किया था, ये फोटो को आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आ जाएंगे। मित्रों पीपल के पेड़ के नीचे डालने के बाद सीधा घर आइएगा, कहीं पर भी मुड़ के नहीं देखना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधा घर आके हाथ मुंह धोकर अपने नियमित कार्य में लग जाएंगे। इस प्रकार से विधि मित्रों यही समापन हो जाएगी। और जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण यानी ये आकर्षण विधि कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा
और आपसे उतना ही प्यार करने लगेगा जितना आप उसे प्यार करते हैं, और आपको उतना ही आत्मसम्मान देगा जितना आपको उससे चाहिए। तो मित्रों, विधि को कीजिए, आपको इससे बेहद लाभ होगा। और विधि करते वक्त ध्यान रखिएगा, गलत नियत से इस विधि को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सही नियत होगी तभी आपके पूरे काम बनेंगे और आप सफल होंगे। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और नर्क बना रखा हो, और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करें। अगर मित्रों आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।